हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जॉन। सो भाई, अभी हम हैं जी जयपुर में, और जयपुर में हम किसके साथ हैं? इस पुरानी साधन जयपुर में कपड़े भी बांध के, अभी इसने एक टू नीचे प्रेस करा दी। हमें मेहनत चल रही है सवेरे सवेरे, और भाई जैसे तैसे करके फिलहाल हम जयपुर पहुंच गए थे। हमारे नंगी तो मत हार्ले बोलो वाले सपने तो सारे चूरों चूर हो गए। आपने देखा ही क्या हमारा तकड़े वाला फुद्दू खींचा है। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी नहीं, वालों। मतलब अपनी तरफ से मैं ये सोच के गया था, इतना कन्फर्म होके गया था ना कि बाइक लेके ही आनी है। 1200 सीसी की बाइक थी, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब हार्ले से ना, जब से हार्ले रखी थी ना मैंने स्ट्रीट रोड, उसके बाद मेरे को इतना ज़्यादा लगाव सा हो गया ना हार्ले से, दिल था कि अपग्रेड करूँ। मैं कंटिन्यूसली मान के चलो 1 महीने से बाइक देख रहा हूँ हार्ले, और कोई बढ़िया नहीं मिल रही थी। ये मेरे को थोड़ी सही लगी, इस बंदे ने गलत डिटेल्स डाल रखी थी, गलत फोटोज़ डाल रखी थी, और फोटोज़ में देख के भाई लग भी नहीं रहा था कि बाइक ऐसी है। और मैंने आपको लाइव दिखाई है ना बाइक कितनी गंदी कंडीशन में थी। सबसे बड़ा उसमें जो ड्रॉबैक था ना, कुछ ना, इंजन ठीक था उसका और चली भी जेन्युइन, वो 13,000 किलोमीटर थी। बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि उसके जो पिछले दो शॉकर थे ना, वो बिल्कुल डेड थे, बिल्कुल डेड, मतलब लास्ट स्टेज पे आ रखे थे अपने। वो जैसे उस, मतलब वो उठवा रखे थे, आपको दिखाया था मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में, वो पूरे ख़त्म हो रखे थे शॉकर। और वो जो एक शॉकर है ना, कम से कम भी 38,000 रुपये का भाई, 38,000 रुपये का एक शॉकर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दो शक्कर कितने के हो गए आपके कुल मिला के? मोटा मोटा खर्चा लगाए तो 80,000 रुपये का तो खाली यही खर्चा था बाइक के ऊपर। उसके बाद टायर उसके 40,000 रुपये के, टायर दोनों ख़त्म थे, हेयर लाइन क्रैक्स आ रखे थे दोनों साइड, फिर दोनों डिस्क पैड ख़त्म थे। डिस्क पैड चलो ये तो छोटे खर्चे हैं, फिर भी डिस्क पैड भी उसके 15,000 रुपये के हैं। और क्या था उसमें प्रियंकित? और जंग थोड़ा थोड़ा जगह से, काफ़ी ऐसी जगह हैं जिसमें जंग लगा हुआ था। बटन उसके दोनों साइड के बटन वाले पार्ट होते हैं जहाँ से हम स्टार्ट वगैरह करते हैं, वो चेंज कराने पड़े 5-6 हज़ार के। वो थे दोनों शीशे ख़राब थे, 5-6 हज़ार के वो थे। उस बंदे ने खड़े खड़े बाइक की ऐसी की तैसी कर रखी थी, बाइक बिल्कुल नहीं चला रखी थी बाइक, खड़े खड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वो बाइक। इंजन इंजन सही था उसका, वो बंदा बाहर आउट ऑफ कंट्री रहता है जिसकी मतलब नाम बाइक थी, तो ये कोई उसके पार्टनर वार्टनर थे जो सेल कर रहे थे। तो भाई बाइक तो मतलब इंजन वाइज ठीक थी, पर जो बॉडी लाइन से बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी थी। तो इसी छोटे छोटे कामों में ना बड़े पैसे लग जाते थे। फिर मैंने सोचा मैं, क्या यार अब इतना तो है नहीं कि मैं अब इतनी महंगी बाइक लेके और फिर उसके ऊपर 1-1.5 लाख और लगाऊं, तो इससे बढ़िया तो उतने में मेरे को वही बढ़िया बाइक मिल जाएगी। तो फिर हमने बड़ा मतलब मन सा पक्का बनाया और डिसीजन लिया कि भाई हम बाइक ले ही नहीं रहे। और फिर वहाँ से वापस आना था, अब हम तो ये प्लान करके गए थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ये भाई बस एक दिन रात को पहले चला गया और था। वहाँ और पहुँच के हमने सोचा चल भाई, हमने तो वापस तो बाइक से ही आना है, इसलिए हम कोई प्रिपरेशन करके गए नहीं थे इतनी ज़्यादा। तो वापसी में जब पता लगा बाइक तो ऐसी है, तो वापस आने के लिए तो दिक्कत होगी। अब हम अगर वहाँ पे शाम को, मैंने बाई एयर फ्लाइट देखी, वो सेम डे की फ़्लाइट पड़ रही थी 13,000 रुपये की टिकट, और वही 2 दिन बाद की पड़ रही थी 3700 रुपये की। सो फिर मैंने कहा यार अब 2 दिन रुक के यहाँ पे करेंगे क्या। और बस देखी, सेम डे की बस भी नहीं मिल रही थी, बस भी उससे अगले दिन की मिल रही थी। तो फिर हमने नॉर्मल सी एक बस मिल रही थी, हमने कहा यार चल जैसे तैसे करके बुक कर, रात को होटल में रुकेंगे, और मन वैसे ही परेशान है, दिल करेगा नहीं यहाँ पे घूमने वूमने का, तो वापस ही चलते हैं। इसीलिए मैं मतलब आपने देखा ही, मैं जाते हुए कितना एक्साइटेड था कि घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मैं पूरे प्लान से गया था कि बाइक पक्का लेके ही आऊँगा। बट वापसी में जो सीन हुआ ना मेरे साथ, बड़ा गलत हुआ, और दिमाग मतलब एकदम ख़राब हो गया, और कुछ भी समझ नहीं आया एकदम वहाँ पे कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम हार्ले ढूंढ रहे हैं, अगर किसी की नज़र में कोई बढ़िया हार्ले खड़ी हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे या तो 48 चाहिए, या फिर मुझे कस्टम 1200, मतलब 1200 सीसी की बाइक चाहिए, कोई भी हो चलेगी, और मॉडल थोड़ा ऊँचा ही हो, मतलब 17-18 मॉडल हो, तो क्योंकि 17-18 के बाद ही इनमें ABS आया था। किसी के पास खड़ी हो तो बताना कमेंट करके। और अभी फिलहाल हूँ जी मैं जयपुर में, और प्रियंकित मुझे लेके जा रहा है घुमाने के लिए जयपुर है भाई। और ये है जी प्रियंकित का हॉस्टल, मतलब कमरा, इसका रूम टूर दे देते हैं आपको थोड़ा सा। और ये रहा लड़का, लड़का कर रहा है प्रेस कपड़े, ये इसका बेड है, और ये छोटा मोटा सामान है। हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है। और सामने इसका कॉलेज है, दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सामने ही है कॉलेज, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जी है जी नीम्स यूनिवर्सिटी, और बिल्कुल रोड पे ही है इसका हॉस्टल, मतलब रेंट का भी यहाँ पे काम बढ़िया है। और ये है जी जयपुर के नज़ारे कुछ, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही, मौसम सही हो रखा है अभी फ़िलहाल। तो अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, और ये खड़ी है जी वरना, इसके दोस्त की, इसकी दोस्ती वरना लेके जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि मैं तो बस से आया हूँ। चल भाई हो गए हैं रेडी निकलने के लिए। तो यार यहाँ पे ना ये बड़ा सही सीन है, यहाँ पे मतलब ईंटें वींटे नहीं होती ज़्यादा, यहाँ पे पत्थरों से घर बनाए जाते हैं, और मिट्टी भी मतलब पहाड़ों से ली जाती है। कैसे लाल रंग की मिट्टी अगर यहाँ से दिख रही हो तो मैं दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखो सर, लाल से रंग की मिट्टी है सारी सड़क जो बना रहे हैं, ये पहाड़ों से मिट्टी ले लेके बना रहे हैं, देखो बड़े बड़े पत्थर से। सही है सिस्टम यहाँ पे। बाकी इससे पहले मैं कभी जयपुर आया नहीं, फर्स्ट टाइम है मैं जयपुर आया हूँ और घूमने जा रहा हूँ कहीं पे। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, दो चार चीज़ें मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बोल रहा है, प्रियंकित लेके चलूँगा। सो वो सारा कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं और दिखाते हैं आपको भी कैसा है सीन यहाँ का जयपुर का। सो गाइस अभी निकल पड़े हैं जी जयपुर के लिए टार्जन द वंडर कार में। सो आज के लिए ये है जी हमारी सवारी, और भाई है तो ख़तरनाक सी है, पता नहीं इसने लिया अपने दोस्त से, इसके दरवाजे खोलो हैंडल हाथ में आ जाता है, बट ठीक है चलो चलेगा आज के दिन।
बाकी भाई पेट्रोल पंप बता दे कहाँ पे है, कभी धक्का नहीं लगाऊंगा पहले बता रहा हूँ। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। कहाँ लेके जा रहा है पहले बता दे थोड़ा सा। पहले पेट्रोल पंप। अबे दिखाएगा क्या पेट्रोल पंप दिखाएगा जी, अभी आपको लेके चलते हैं आम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट सबसे पहले जा रहे हैं जी वहाँ एयरपोर्ट, देखते हैं कैसा आम एयरपोर्ट आज। अभी हम पहुंच चुके हैं जी आमेर फोर्ट पे और हम आए हैं पूरे अपनी शानो शौकत पूरी अपनी सेना लेके। देखो अब गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं पीछे तक, और अभी आगे किलो वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, उनको थोड़ा खतरा हो गया अपने से। और प्रियंकी जा रहा है अब तलवार लेके अपने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, पराजित करके आना उनको सबको, ठीक है। किला जीतना तो मैं नहीं उतरूंगा, उतरेगा तो बेल्ट लगा के उतरिया। अभी इसका सुबह सुबह 500 रुपये का धक्का हो गया, बताओ बेल्ट नहीं लगा के बैठा। मैं देख रहा हूँ, मैं क्या हमारे तो कागज पूरे, मैं कॉन्फिडेंस लेवल से पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, वो कह रहा है उधर देखो बेल्ट नहीं लगा रखी, पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो पीछे देखा नहीं, बंदे ने बेल्ट नहीं लगा रखी। सुबह सुबह 2000 रुपये ले रहा था वो, 500 में बात बड़ी मुश्किल से बनाई है तरले कर करके। वैस फाइनली हम अपनी सवारी से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या हो रहा है, हवा कैसी निकल रही है इसमें से, इसमें से आवाज आ रही है? कुछ तो निकल रहा है, हैं? छोड़िए, आवाज आ रही है कुछ तो, टायर में से आ रही है क्या? अंदर से आ रही है, कुछ नहीं गिरी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठंडी हो रही है, इंजन को खोल के देख लो, देखियो भाई साहब इतनी खस्ता गाड़ी। ओ ले ये देखो देखो ये होती है गाड़ियाँ, रुक जा रुक जा भाई, आज तो गलत ही फंस गए। बोनट खोल इसका, ओ देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये देखो निकालिया, इसने खोला, ये देखो भाई साहब शाबाश, अब खुला बोनट। ओए भाई ये क्या ले आया तू आज टार्जन मांग के, बोलो बोलो। ओ भाई अब नहीं आ रही ना, रहने दे रहने दे, बस बंद कर दे, नहीं आ रही बंद। क्या हुआ था भाई, ऐसी भी गाड़ियां ना मांग के लाया कर कभी भाई, मेरे को ही पता है मैंने यहाँ तक कितनी मुश्किल से चढ़ाई है ये, अगर और कहीं होता तो ये नीचे जाती वापस ही। बस छोड़ दे, अब तो जो होगी जो निकल, जुगाड़बाजी करवा रखी, पेट खराब रखा होगा तो। उसको गई हो भाई 100 रुपये का प्रसाद, इसको लेके जाइए बूंदी का, उसके हाथ में क्या, हम वापसी आए हैं प्रसाद बांट रहे हैं इसके नाम का। तो भाई चलो देखते हैं जरा आमेर फोर्ट, सच में कह रहा हूँ कि 100 रुपये का प्रसाद ले करेंगे हम भी, अभी हमने सुख सुखी थी भी वापस आएंगे तो प्रसाद बांटेंगे। ये आधी मेरी टांग खा गई तुझे, तेल की पड़ी है, बात तो सही है। कहाँ पर अभी तक भी एक टांग, बड़ी मुश्किल आया, काफी हाइट थी और गाड़ी भी ऐसी खस्ता रही थी, सीएनजी लगवा के बंदे ने पेट्रोल भरना। तो भाई फाइनली एंटर हो चुके हैं जी हम एयरपोर्ट के अंदर। भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी है, जयपुर की गर्मी सच में बड़ी ज्यादा गंदी है, और देखो भाई क्राउड देखो। तो भाई यहाँ पे तो बड़ी खतरनाक वाली भीड़ हो रखी है, और अभी थोड़ी पेट पूजा के लिए लिया है हमने पेटिस, फोटो कुछ मिला नहीं। आज संडे है ना, हैं? आज संडे है, वो बैठने की जगह है वहाँ पर, चलें उधर सुरंग में चलते हैं, वहाँ बैठे, हाँ सुरंग में बैठे खाएंगे, रानी होगी जहाँ बैठती थी। तो भाई ये है काफी बड़ा किला यार, वो दूर दूर तक, ये पूरा वहाँ जाने देते हैं क्या? नहीं वहाँ पे दीवार है, वो यानी किले की दीवार है, चारों दीवार वहाँ पे तो कुछ है ना, वो देखो ऊपर ऊपर भी किला है ना, वो जहाँ पे सबसे बड़ी तोप है, जा सकते हैं वहाँ। मैं बताया कह रहा हूँ इंग्री कह रहे हैं सबसे ऊपर ना तोप है, वो तोप से ना सीधा अपनी वरना पे निशाना लगाएंगे, वरना उठाएंगे ये नहीं पता था संडे को इतना ज़्यादा रश होगा, वरना आते ना संडे को नहाते। सो भैया अभी हमने कर लिए जी पेट पूजा वगैरह, सो अभी देखते हैं चल के फोर्ट को। सो गाइड जी बताइए रास्ता किधर जा रहा है, चलिए ऊपर चलिए ऊपर रास्ता, टिकट चेक कराओ पहले, हाँ यहाँ पे, हाँ जी नहीं होती टिकट चेक। Thank you.
भाई पंगा हो गया पंगा भाई। सड़के की बात कर रहे हैं आप, जैसे आप मेरे भाई लड़ाई हो गई, लड़ाई गूगल करके थोड़ी हिस्ट्री तो देख लो। हैं गाइड जी थोड़ी हिस्ट्री तो बताओ हमें। बस ये चौबारा था यहाँ पे, ये वही चौबारा का ये गली है चौबारा, यहाँ आना दोबारा भैया यहाँ बैठक लगती थी मुझे कुछ। मेरा पुराना जन्म याद आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं अगर राजा था भाई, 15-20 रानियों की आत्माएं मेरे आसपास घूम रही है। अबे साले तभी नहीं होता, जैसे मतलब कुछ टाइप में जैसे जहाँ पे फैसले फैसले सुनाए जाते थे ऐसे कुछ, मतलब देख यहाँ लिखा तो हुआ है ये जब पढ़ते हैं ना 1649 में। अच्छा किस लिए? ये दीवाने का, यहाँ पे दीवाने आते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है भाई, सही लग रहा है भाई बहुत, और ठंडक भी है देखो, ये प्योर संगमरमर मरमर जो भी होता है वो लगा हुआ है। यहाँ से देखते हैं व्यू जरा भाई साहब। ओह ये क्या है उधर, शायद पता नहीं क्या जल महल वगैरह कुछ है, और भाई पूरा का पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से। ओह जबरदस्त लग रहा है नज़ारा, किला बहुत ही लंबा और बहुत ही दूर तक बनाया, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं सामने, वो ऊपर तक जा सकते हैं, वो सारी किले की दीवारें हैं चारों तरफ भाई, काफ़ी बड़ा था। अभी देखते हैं आगे चल के और क्या क्या है यहाँ पे। फिशिंग देखो भाई साहब, आज से पता नहीं 400 साल पहले की, हाँ 1649 समथिंग में बना था ये, और भाई अभी 2023 चल रहा है, और देखो भाई फिनिशिंग अभी तक वैसे की वैसे बरकरार है, तो क्या ही कलाकारी कर रखी है जबरदस्त। छोटी मोटी सी मॉडिफिकेशंस करते हैं बट बाकी जो है सारा ओरिजिनल ही है, और बहुत ही सही लग रहा है, बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो भाई ये देखो जी, ये जो है ये मंदिर टाइप कुछ बना रखा है पुराने टाइम का, ये गणेश जी को समर्पित है, और इसके अंदर वो जो छोटी छोटी ये जालियाँ बनी हुई है ना, यहाँ से रानियाँ जो है ना, ये सामने मतलब एक ऑफिस टाइप होता था पुराने टाइम का, तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चलते थे वो देखती थी यहाँ से रानियाँ जालियों में से। मजाक नहीं पड़ा मैंने, ये सारा जो है पित्तल का है, पित्तल का, पित्तल का है, पित्तल का प्योर भाई साहब। तांबा भी है, पित्तल भी है, पैड़ी भी है, मार्बल है ना ये प्योर। और ये कम रूम होते थे रानियों के, और यहाँ से वो जो भी मतलब बाहर कार्यक्रम चलते थे वो देखती थी यहाँ से रानियाँ। देखो ये कमरा बना हुआ है, अभी बंद कर रखे हैं, इधर रूम बंद कर रखे हैं अभी, उधर है उधर बाहर है, रानियों के कक्ष हुआ करते थे बाहर बाहर बाहर, बहुत अच्छा है। तो यहाँ की कहीं और बाहर जो है वो उनका वो था बैठने के लिए चौबारा टाइप आंगन, वहाँ पे मतलब जो भी कार्यक्रम चलते थे नीचे पड़ गए हैं वो देखती थी यहाँ से, रानी अपने पति को देखा करती थी। वो राजा जी जा रहे हैं, ओरे ओरे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो अभी हम जा रहे हैं गुप्त जगह में, वही सीढ़ियाँ देखो यार, रानी अपने राज्य के साथ ऊपर टाइम पास करने जा रही थी, हवा कितनी अच्छी लग रही है। रानी रानी मैं आ गया, दोबारा जन्म लेके आ गया भाई। ये दरवाजे का सॉलिड है लकड़ी का, ये किसी रानी का क्लिप छोड़ गया, रानी अपना राज्य के लिए निशानी छोड़ गई अपनी। हाँ टच कर सकते हैं? भाई यहाँ पे ना अभी भी पुराने टाइम की काफ़ी सारी चीज़ें वैसे की वैसे मेंटेन पड़ी हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, वही छोटे 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 पता ही नहीं कितने कमरे हैं यहाँ पे, जबरदस्त सीन है यार। अब यहाँ से क्या जबरदस्त दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये जल महल है क्या ये? बढ़िया टाइम पास का सिस्टम बना रखा, एक तो हमारा गाइड ऐसा लेके आए हैं साथ में, ना कुछ बताता ना कुछ, बस नमकीन पेल रहा है, नमकीन खा रहा पानी पिला भाई। 80 रुपये गलती, हम घूमते घूमते आए हैं इस जगह पे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्या ही कलाकारी कर रखी है। भाई मुझे इसका नाम तो पता नहीं पर जगह जो भी है बहुत अच्छी है, बहुत ही सही बनाया गया, शायद यहाँ पे राजा का दरबार वगैरह लगता था, जिस हिसाब से यहाँ पे कलाकारी की हुई है लगता है ऐसा ही कुछ रहा है। वो पता नहीं मिरर के बना रखे सारे ये छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लेके, ये होती है रियल कलाकारी। आजकल तो सब आर्टिफिशियल हो गया, अब तो दीवारों पर वाले पेपर बन जाते हैं ऐसे, पर ये रियल है बिल्कुल।
एक एक चीज़ हाथों से बनाई हुई है, ये सारे मिरर लगे हुए हैं, सारे के सारे मिरर लगे हुए हैं छोटे छोटे, पूरी छत पे ही पूरा। कितना ही टाइम लग जाता होगा इन सब चीज़ों को बनाने में। मज़ा आ गया भाई ये चीज़ देख के, तो आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस अभी हम यहाँ के हिडन प्लेस, ओए इधर आओ ये देखो कमरा। सो अभी हम यहाँ के हिडन प्लेस पे आ गए हैं, ये देखो कमरा राजा का, और ये देखो तुम मतलब कितने सही तरीके से बना रखा। ओ ऊपर भी देख लो चमगादड़, अरे हवा कितनी अच्छी है, ऊपर भी देख लो चमगादड़, ये देखो हवा कितनी सही से आ रही है हर जगह से। ओ ये देखो ये क्या है, ये पढ़ तो लो पहले, कैसे होते थे ये उनके शौचालय हुआ करते। अरे यहाँ के लोगों का थोड़ी पुराने टाइम का है, बड़े अजीब अजीब तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो ओ ये मजेदार चीज आई है, इतना तरीके से इनका आर्किटेक्चर कितना मजबूत था उस टाइम में, ना कोई नक्शे होते थे ना कुछ होता था, फिर भी मतलब हवा ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, हर एक जगह से हवा आ रही है। ये तो अभी हम यही देख रहे थे ना, उस टाइम का सोफा था, हाँ ये उनका बेड था, बैठ के देखो, बैठ के देखो, आ रहे कि शहनशाह शौकत दरबार में पेश किया जाए। अपने अपनी अपनी अर्जी लेके आओ जल्दी, बोलिए क्या अर्जी है आपकी, बताइए आपकी क्या शिकायत है। हाँ जी बोलिए, इनकी करो ओम गुरु स्वाहा, बच्चा भाग गया, अभी सीधा गर्लफ्रेंड बना के ही वापिस आएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ओहो ये पता नहीं कहाँ के ले आए, क्या हाल कर रखे महल का। ये देखो इधर जाना, इधर भी है, ओ भाई ये चीज देखो क्या सही है, पूरा शहर देखने के लिए बना रखा है, मतलब ये दुश्मन यहाँ से पता लग जाता है कौन को दुश्मन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिंदा वापस आना, आते हुए जरा दो पेटीज ले आना। आने जाने के लिए भी हाथी रखे होंगे इन्होंने तो। सूरज प्लीज चले जाओ, चले आओ, चले जाओ नहीं, चले आओ। पता नहीं क्या लेके रखा, बताओ दीवारें पर बताओ, इतने दिन राजाओं महाराजाओं की प्यार की निशानियों का क्या कर रखा है। तूने लिखना कुछ, लिख ले, लिख दे, मैं अभी तक सिंगल हूँ, अगर कोई फंसना चाहती है तो इस नंबर पे संपर्क करें। लिख दे अपना नंबर, लिख दे, कोई तो कॉल कर ही लेगा। पेन तो दो, इसको पेन वन है तुम्हारे पास कोई है? ये तीले से लिख ले झाड़ू का, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता लग रहा हम कहाँ से निकलते हैं कहाँ घुस जाते हैं। ये मूवीज में दिखाते हैं ऐसी जगह से तोप वगैरह से निशाने लगाते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। इस जगह की हिस्ट्री है, ये है कुछ लेडीज अपार्टमेंट, जनानी डीओडी पता नहीं कुछ कहते थे इसको, और यहाँ पे मतलब रानियाँ वानियाँ रहती थी, कुछ सीन था यहाँ का, ये जो एरिया है। टनल आएगी जहाँ पे बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, उसके सामने लोहे का गेट है, उससे आप लोग जयगढ़ चले जाना। अच्छा, इतनी सीढ़ियाँ नहीं है, बस ऐसे रास्ता बना हुआ है छोटा सा, मतलब 300 मीटर। कितने किलोमीटर होगा सर? ज्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर है, 300 मीटर तक तो वो अंदर अंदर रहेगी, हाँ। फिर वो पहाड़ के ऊपर आके ओपन हो जाएगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा। तो जो पैदल वालों को रास्ता नहीं इधर से, हाँ। तो वो टनल जाके दोनों मिल जाएगी, समझ गया। टनल वो टनल यहाँ से निकलोगे लेकिन रास्ते में आएंगे, चले जहाँ फिर बर्तन रखे बड़े बड़े उसके ही सामने। ठीक है जी, थैंक यू भैया। वो ये सारा लेडीज अपार्टमेंट्स टाइप में है, ये देखो तुलसी, ये पता नहीं क्या है। तो गाइस मैं ये अटैच कर रहा हूँ, वीडियो पोज करके देख लेना, इसको देखना। अच्छा ये यहाँ पे पूजा करते थे। सो गाइस अभी हम जयगढ़ फोर्ट पे जा रहे हैं, और ये सुरंग का रास्ता है, यहाँ से सीधा जाती है जी जयगढ़ फोर्ट। ये सही चीज है, चलो 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 चलो। लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, ये जेल है, ये जेल है, हाँ ये जेल है, ये गुप्त में जहाँ रखते थे ना, यहाँ पे ना दंड दिया। जबरदस्त है भाई, ये सही जगह आई है, यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा पर बहुत ही ज्यादा सही लग रही है, असली चीज तो यही है देखने वाली। ये इसलिए बनाया गया था ताकि आमिर फोटो जयगढ़ फोटो जोड़ सके। ओह वहां भी देख रहा है।
डर गए। सो भाई वो वहाँ से चल के आए हैं, पूरी सुरंग थी ये और इधर पता नहीं क्या है ये। अब ये सीधा आगे जा रहे हैं हम जयगढ़ किले की तरफ। और क्या ही सही गली है। सो भाई अभी हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है और ये हालत हो चुकी है बड़ी ज़्यादा बुरी, पसीने ही पसीने आ गए। अब कुछ लोग दिख तो रहे हैं मुझे, दूर दूर आ रहा है कोई पीछे। पत्थर भी देखो ऐसे लग रहे हैं चांदी के पत्थर हो, कितनी शाइन है। पत्थरों की दीवारें बना के कितनी मोटी मोटी और कितनी मजबूत भी हैं। सो भाई इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं, कौन सा है मैं भूल जाता हूँ, पर जयगढ़ के किले पे। और यहाँ से दुश्मनों ने अटैक कर दिया हम पे, अब हमें हमारा गाइड ही बचा सकता है। गाइड को खुद चाहिए बचाने के लिए, गाइड को ग्लूकोज चाहिए। सो भाई यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी बना जा रहा है। अरे है कुछ नहीं वैसे, भाई भाई गिरोगे तुम। हाँ घूम के बस उतर के दीवार पे पैर रख लो। अच्छा हमको सिखा रही है, बस बस शाबाश हो ये हो गया बस बस मैं जाऊँ। फिर बाकी तुम तो आओगे नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। क्या सीन है, ऐसे ऐसे ग्राहक हमें नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे ग्राहक हमें नहीं चाहिए। अरे वैसे जा सकते हैं, ऐसे डर रहे हो तुम तो। हाँ, क्या आंख में इसके सांप गया? नहीं कुछ है, कैसे निकालूं? हैं? ऐसे थप्पड़ मार के। अरे रुकना, अरे ऊपर वाली पलक नीचे लगा ले। ऐसे कर दे, कैसे कर, नहीं नहीं निकाल। इसकी आंख में रानी रड़क रही है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं जी जयगढ़ फोर्ट पे, और ये है जी यहाँ का कुछ बतार के। और ये पोज करके पढ़ लेना, इसको ज़्यादा डिटेल में कुछ जानना हो। भाई हालत ख़राब होगी हमारी तो यहाँ पे आते आते, शक्ल की बैंड बज गई है। देखो गाइड तुम्हारे। सो भाई हमारे साथ हो गया कलोल, यहाँ बिल्कुल मत आइएगा, कैश लेके आइएगा, आना है तो जीपे नहीं चलता, ये मॉडर्न लोग नहीं है। और 500 रुपए हम इनको दे रहे थे, 75 रुपीस टिकट है, 75 लाइए, चिल्लर लाइए, बेशक 500 एक एक के सिक्के लेके आओ। हाँ, और स्टूडेंट आईडी ऐसी लाइएगा, फ्रॉड नहीं चलता यहाँ, पूरे प्रूफ के साथ हर चीज लानी पड़ेगी, आधार कार्ड पासपोर्ट सब कुछ। और हमने 500 रुपए दिए, 300 रुपए इन्होंने काट के 200 वापस करने थे, 200 भी नहीं इनके पे खुले, अब वापस जाना पड़ रहा है। और लोग बड़े खड़ूस हैं, ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे, फीडबैक बहुत गंदा है। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कितनी मजबूती से बना रखा है जो आज तक टिका हुआ है। अगर आप हिस्ट्री लवर हो ना तो आपको पक्का ये चीज़ें पसंद आएंगी। सो ये जयपुर में मेरा फर्स्ट टाइम था, अब आए किस काम थे और कर हम क्या रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। सो ये है कि चलो हमारा वेस्ट नहीं गया इतनी दूर आना। सो भाई यही है जी किला, भाई बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा है, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे आके। सो आप भी विजिट करके देखना, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे भाई ज़्यादा शाम को बताओ, कीड़े कूड़ों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे एक से एक, और सांप वाप भी हो सकते हैं यहाँ पे। सो फिलहाल तो जी यही था आज का व्लॉग, अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल की सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले व्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।